फ्रेंड्स, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान में गरीब आज भी जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। इस इस्लामी मुल्क में 1% वो तबका है जिसने हमारे कौमी असासों पर कब्जा कर रखा है और बाकी 99% आबादी गुर्बत और अफलास की जिंदगी गुजार रही है। कर्बे मुसलसल की लपकती धूप, तंग दस्ती और तंग दामनी की बरसात, बेचैनी और बेकरारी की फुहार इन गरीबों का मुकद्दर है। मेरा पैगाम है इन रंग बरंगी कारों और खुशनुमा बंगलों में ऐश इशरत करने वालों के लिए, कभी हो सके तो अपने बंगले से 2 कदम बाहर निकलकर कच्चे मकानों के बासियों को देखना। हो सकता है आपके दिलो दिमाग पर लगे वजनी कुफल भूखी प्यासी और चीखती हुई फरियाद से रेजा रेजा हो जाएं। शायद किसी मफलूकुल हाल की धाड़ें तुम्हारी सोचों के धारे बदल दें। हो सकता है किसी मजबूर माँ के फैले हुए हाथ तुम्हारे ख्यालात के समंदर की पुरसकून मौजों को इज़्तिराब बख्श सके। दोस्तों, आज के दिन हमने 52 वो खानदान सिलेक्ट किए हैं जिनका वाहिद सहारा कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। बेवा माएं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम फूलों के साथ मौजूद हैं और 400 केजी गंदम फी खानदान के हिसाब से लेकर जा रहे हैं और यूं आज 20,800 केजी गंदम तकसीम की जाएगी। और इस गंदम के लिए हमारी बहन जो यूके से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए इन यतीम बच्चों के लिए गिफ्ट की है और यूं ये खानदान 1 साल के लिए रोटी की फिक्र से आजाद हो जाएंगे। अल्लाह सुभान व तआला आपका ये नजराना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अबू क्या करते हैं बेटा आपके? अबू क्या करते हैं? कहाँ हैं अबू आपके? फौत हो गए हैं आपके? आप बड़े बड़े आप हैं बेटा? क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? मदरसे में पढ़ते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? आसिया। आप पढ़ती हो बेटा? कौन सी क्लास में? पांचवी में, माशाल्लाह। और आप, आपका क्या नाम है? अरसलान। आपके पापा फौत हो गए हैं? अच्छा, बड़ा भाई ये है? अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? गुड़िया हसीबा बीबी। हसीबा बीबी, आप कितने बहन भाई हैं? चार। बड़ा भाई कौन सा है? गाजी रशीद। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? आप कौन सी क्लास में हो? प्रेप में पढ़ते हो। तो ये छोटा सा बच्चा और इसके साथ ही माँ, जितने भी आपको नजर आएंगे छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका कोई करने वाला नहीं है, जैसा कि ये बच्चे, अब ये देखें, ये हमारी सिस्टर बेवा, उसकी एक बड़ी बेटी और इसे 7 छोटे मासूम यतीम बच्चे। इसी तरह ये देखें, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये कमा सकते हैं? ये बच्चे जो इटकेलियाँ कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, इनको देखें, अल्लाह इन सब के नसीब अच्छे करे। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारी सिस्टर है, इसके बच्चे देखें, ये छोटे, ये सारे मासूम यतीम बच्चे। ये हमारी बहन है जिसकी एक बेटी है, इसके साथ खड़ी है। ये हमारी सिस्टर है जिसके साथ ये छोटे बच्चे हैं और ये सारे मासूम यतीम बच्चे खड़े हैं। ये बच्चे हैं, ये माएँ अक्सर बच्चों को एजुकेशन भी नहीं दे पाती, उसकी वजह ये है। ये हमारी सिस्टर जो है, इसके 3 बच्चे अब नॉर्मल हैं, ये बेवा भी है, ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं। ये बच्चा, ये बच्चा, ये बेटी ना बात कर सकते हैं, ना सही तरह से चल सकते हैं, तो कितने बड़े टेस्ट में हैं ये सारे लोग। अल्लाह ताला हमारे लिए भी एक इबरत है कि अल्लाह ताला हमने कितनी, हमें अल्लाह ताला ने आजमाइशों से महफूज रखा हुआ है। ऐसे भी तो खानदान है, एक तो माँ बेवा है, साथ कमाने करने वाला कोई नहीं है, साथ बच्चे भी स्पेशल हैं। अल्लाह ने जिन जिन को, मेरे बहन भाइयों को सेहत दी है, नेमतें दी हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बच्चे इस माँ के साथ हैं, इस तरह ये मेरी बहन है, इसके 2 बच्चे हैं, ये यतीम है। इसी तरह ये छोटे छोटे फूल से बच्चे अपनी माँ के साथ हैं।
तो ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं ये छोटे बच्चे, ये सारे यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं।